हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुरक्कब की, जवारिश आमला सादा। ये मुरक्कब भी बहुत मशहूर और मुफीद मुरक्कब है। ये आप देख रहे हैं आमला खुश्क 1 kg, चंदन सफ़ेद, बुरादा चंदन सफ़ेद 200 ग्राम्स, गुल सुर्ख 80 ग्राम्स, बालछड़ सुम्बुल तीब 80 ग्राम्स, और इलायची खुर्द छोटी इलायची 80 ग्राम्स। ये सारे अज्जा जवारिश आंवला सादा के लिए हैं। जवारिश आंवला सादा इख्तलाज कल्ब सफरावी यानी कि सफरावी टैकीकार्डिया में बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सफरावी दस्तों में भी बहुत अच्छा काम करती है, और सफरा की हरारत की वजह बढ़ जाने की वजह से जो जिगर में गर्मी हो जाती है, ख़ासतौर से जो अल्कोहलिक लोग होते हैं या जो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, उन लोगों के जिगर में जब गर्मी हो जाती है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और दिल और दिमाग के लिए भी एक टॉनिक का काम करती है, बशर्ते के मिजाज सफरावी हो, सफरावी मामलात हों। सफरावी मामलात में ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अब देखिए, इसी नुस्खे को, जवारिश आमला सादा के इसी नुस्खे को पिसी हुई शक्ल में, और कुछ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस। ये संदल सफ़ेद पाउडर कर लिया गया है और बारीक कर लिया गया है। ये आमला खुश का पाउडर किया गया है, लेकिन आमला खुश को पीसते वक्त एक ख़ास बात ध्यान रखने की यह है कि ये दरदरा होना चाहिए, थोड़ा सा कोर्स रफ होना चाहिए, ताकि ये मैदे में ज़्यादा देर तक रुक सके और अपने असरात ज़्यादा देर तक दे सके। तो जितनी देर ये मैदे में रुकेगा, इसके इफ़ेक्ट्स एंड रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। और वैसे भी जवारिश की जो डेफिनेशन है उसमें उसके अद्वियात का थोड़ा सा दरदरा और कोर्स होना और जायकेदार होना लाजमी है, और दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। और ये गुलसुर्ख है, इनको भी पीस लिया गया है। ये इलायची है छोटी, इनके दाने पीस लिए गए हैं, और आप ये देखिए कि जो इसका छिलका है ये अलग करके रखा गया है, ये किसी काम नहीं आता, इस छिलके को हटा दिया गया है। और हमने यहाँ पे दानों का पाउडर बनाया है, ये बालछड़ यानी सुम्बुल तीब को भी पाउडर बना लिया गया है। अब इन सबको मिक्स करके और हम कवाम में शामिल करेंगे। तो अब बस कवाम में शामिल करने की तैयारी। देखिए, अब ये मिक्सिंग प्रोसीजर हो रहा है। देखिए, हमने चाशनी ली है, उसमें पिसी हुई अद्वियात को, पिसी हुई मेडिसिन को मिक्स कर रहे हैं। इसमें पाउडर्स मिक्स हो गए हैं इसमें, और तजर्बे की बात यह है कि ये आप देखिए इसको हमने कितना पतला रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कवाम को, इसलिए बहुत पतला रखना होता है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड होता है एक जवारिश के लिए, उस कैफियत में आ जाएगा ये। और साथ ही साथ एक तजर्बे की बात और ये है कि मेडिसिन बनाने के कई तरीके होते हैं। जवारिश आमला को आमतौर से दूध में आमले को भिगो करके और उसका पीस करके बनाया जाता है, लेकिन वो तरीका अब नहीं चलता है। पानी में हाँ भिगो करके पीस करके बनाया जाता है, लेकिन वो भी थोड़ा सी परेशानी की चीज़ है। एक बहुत ही आसान सा और बहुत जल्द होने वाला जो तरीका है वो ये है कि चाशनी बना करके पहले तैयार रख लें, आप पाउडर अलग बनाएं, फिर चाशनी में इसको मिक्स कर दें। तो इसमें आप जितनी चाशनी चाहिए उतनी डाल सकते हैं, और अगर आप वो जो फॉर्मूला चलता है कि उसूल जो चलता है कि 1 किलो में 3 गुना शक्कर चाशनी चाहिए, अगर आप सिर्फ 3 किलो शक्कर बनाएंगे, और तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है, बहुत टाइट हो जाएगी, और कुछ कम एब्जॉर्ब करती हैं तो वो पतली हो जाएगी। इसलिए वो उसूल अपनी जगह ठीक है, लेकिन तजर्बा अपनी जगह होता है। और ये बात भी सच है कि तजर्बे से ही उसूल बनते हैं, रूल्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन तजर्बा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और उसूलों में रूल्स में भी चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए वो फ्लक्चुएशंस होता है ऐसा। तो एक आसान सा तरीका जो है तजर्बे की बिना पर कि आप चाशनी अलग से बनाएं और चाशनी में इसको बाद में मिक्स करें और ऐसा रखें। अगर चाशनी आपके पास कम है, सिर्फ 3 किलो की है, जैसे कि लबू बारिद है या जवारिश आमला है, ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो आपकी चाशनी कम पड़ जाएगी, इसलिए आपके पास ज़्यादा मकदार में चाशनी पहले से होनी चाहिए। अगर अंदाजे में कमी है तो बाद में आप चाशनी और डाल सके, और अगर ज़्यादा पतली हो गई तो आप मेडिसिन मिला के मिक्स कर सकते हैं इसमें। इसलिए ये बार बार करने से, तजर्बे होने से बात साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2-3 मिनट में ही डिफरेंस आता जा रहा है, और
सुबह तक 24 घंटे में ये बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड हालत में आ जाएगा। तो जवारिश, आंवला सादा, जवारिश के लिए ज़रूरी है कि ये खुश जायका भी हो, तो इसकी खुशबू बस फील करिए, देखिए आप। अगर